वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। सो आपको पता है कि कौन सी बाइक मैं अभी चला रहा हूँ, आपने टाइटल देख लिया होगा। तो ये है पल्सर एमएस 125 ब्लू कलर, एंड ये वाला जो कलर है ये बहुत अच्छा है। मतलब आपको वीडियो में इतना जस्टिफाई नहीं होगा कलर, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में इसको देखेंगे तो कलर बहुत अच्छा है। अब ये जो बाइक हमने ली है बजाज MGB येरागड्डा का, हैदराबाद का शोरूम जो है, उनका डिटेल आपको अभी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अभी डिस्प्ले पे आ रहा होगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चारों कलर अवेलेबल है। ये बाइक मैं यहाँ पे सामने लगा के आपको पूरा कंप्लीट इसका वॉकअराउंड देने वाला हूँ, इसका पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ, प्राइस इसके आपको बताने वाला हूँ। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, एंड एंड में आपको थोड़े बहुत और भी क्वेश्चन मैं आंसर करूँगा जो आपने मुझे पहले वाले वीडियोज़ पर पूछे थे। सो ये है बाइक। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें चार कलर आपको मिलते हैं। एक ये कलर है जो ब्लू है, एक दूसरा वाला ऑरेंज है, तीसरा वाला रेड है, एंड चौथा वाला ग्रे है। मैंने दो कलर का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उनका सबका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सब चेक कर सकते हैं। मैंने माइलेज का वीडियो बनाया है, टॉप स्पीड का वीडियो बनाया है, इसका टेस्ट राइड का वीडियो भी बनाया है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी दूसरे जो कलर्स है उनका भी वीडियोज़ लेके आए। सो आपके लिए मैं लेके आया हूँ फिर से एक और कलर पल्सर NS 125 का। अब ये बाइक का जो प्राइस है ऑन रोड वो है 1,13,000 रुपीज़ ऑन रोड हैदराबाद का। शोरूम का नाम है MGB बजाज येरागड्डा हैदराबाद। अब आप वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिए, एंड में थोड़ी और आपको मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ ये बाइक के बारे में। सामने की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये एकदम से ब्लू कलर में दिया गया है। ये स्टिकर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, आपको वही हेलोजन लाइट मिलती है, यहाँ पर आपको LED जो पार्किंग लैंप्स मैं कह सकता हूँ वो मिलती है, वो हेलोजन इसके इंडिकेटर्स मिलते हैं, यहाँ पर नंबर प्लेट मिलती है। सामने का जो मडगार्ड है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एंड यहाँ पर कार्बन फाइबर का एक फिनिश दिया गया है। दोनों ही तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। 240 mm का इसका सामने का जो डिस्क ब्रेक है वो है, एंड MRF के इसमें टायर दिए गए हैं। सामने का आप देख सकते हैं MRF का टायर है, 80x100 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर दिए हैं जो बाइक का जो ओवरऑल कलर है ब्लू उससे मैच करते हुए दिए गए हैं। 160x200 में आपको प्रोबेबली यहाँ पे व्हाइट कलर के एलॉय दिए गए हैं, लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कलर का ये बहुत ही अच्छा दिखता है। सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। ये तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से इंजन गार्ड मिलता है। तो ये है 124.5 cc का इंजन, एयरकूल्ड इंजन है, BS6 इंजन है, 12 bhp का पावर है, 11 Nm का इसका टॉर्क है, 5-speed गियरबॉक्स इसके अंदर आपको दिया गया है, पावर बहुत अच्छी है। एंड मैंने आपको बता दिया है कि मैंने इसका टॉप स्पीड का वीडियो बना दिया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है NS160 एंड NS200 के जैसी ही है, बजाज ने कुछ कंजूसी नहीं की है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके। 12 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है। जो स्विचेस वगैरह हैं क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन ओके है। बाकी यहाँ पे आपको सामने पास का स्विच दिया गया है, हाई बीम लो बीम का स्विच, यहाँ पे आपको इंडिकेटर का स्विच दिया है, आप इसको कट ऑफ भी कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे हॉर्न का स्विच दिया है, राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया है, साथ ही साथ आपको इसमें किक स्टार्ट का ऑप्शन भी मिलता है। तो बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि अगर बैटरी ख़राब हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी सिस्टम कंसोल की अगर बात करें तो सिस्टम कंसोल में आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं दिया है, जो NS160 NS200 में आपको मिलता है सेम यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आपको इंजन माल फंक्शन का लाइट दिया है, हाई बीम लो बीम का इंडिकेशन, यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो उसका इंडिकेशन यहाँ मिलता है, बैटरी का ये बजाज का लोगो है, टैकोमीटर यहाँ पे दिया गया है 12,000 rpm तक, यहाँ पे आपको जो पेट्रोल टैंक है उसमें कितना पेट्रोल है उसका इंडिकेशन यहाँ पे दिया जाता है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे ऊपर दिया गया है क्लॉक, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे आपको ऑडोमीटर की रीडिंग दी गई है, अगर साइड स्टैंड डाउन है तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड डाउन का जो नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखेगा, ये RPM लिमिट और जो गियर शिफ्ट लाइट मैं कह सकता हूँ वो है। यहाँ पे आपको दो बटन दिए गए हैं, मोड एंड सेलेक्ट, अगर आप ट्रिप वगैरह देखना चाहो, ट्रिप 1 ट्रिप 2, वो सब आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिलती है, ये बटन से आप टॉगल कर सकते हैं। आपको दो की मिलते हैं कंपनी की तरफ से, तो ऐसा कुछ दिखता है इसका की। क्लिप ऑन हैंडल बार आपको दिया गया है, सेम आपको NS160 में मिलता है, सेम आपको NS200 में मिलता है। सीट हाइट जो है वो है 805 mm। अब सीट हाइट को लेके मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मेरी हाइट 5.4 है, 5.3 है, 5.5 है, तो आपको बता दूंगी अगर आपकी हाइट 5.4 5.5 भी है तो आप ये बाइक को आराम से चला पाओगे, कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। स्टेप अप सीट और स्प्लिट सीट में इसको कहूँगा जो सेम आपको मिलती है NS160 में। यहाँ पे NS125 का नाम लिखा गया है, एंड जो कलर यहाँ पे अलग से दिया गया है इसको मैं मैट ब्लैक कहूँगा। वैसे ओवरऑल जो कलर है बाइक का वो ग्लॉस है, मतलब शाइनिंग वाला है, आप देख सकते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे ब्लू कलर का स्टिकर दिया है, LED आपको टेल लाइट मिलती है,
बाकी नॉर्मल आपको इंडिकेटर दिए गए हैं, पीछे रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पे आप अपने नंबर प्लेट लगा सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर प्लेट दिखने की लाइट और नंबर दिखने की लाइट यहाँ पे दी गई है, जो हर एक बाइक में आपको मिलती है। अब बात करते हैं पीछे के टायर के बारे में, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत क्वेश्चन पूछे थे कि भाई टायर का सेक्शन बड़ा कर सकते हैं क्या। देखो भाई, ये वाली जो बाइक्स होती है ना, इनका टायर वगैरह, इनका इंजन, इनका पावर बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। बिकॉज लोअर सीसी की बाइक जब आप लेते हो तो उसमें आप ज़्यादा माइलेज देखते हो, तो ये वाली जो बाइक है विथ दीज टायर्स यू विल गेट बेटर माइलेज। तो ये टायर्स के साथ आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसका टायर का जो सेक्शन इंक्रीज़ करने का, या फिर मोटा टायर या बड़ा टायर डालने का। पीछे का जो टायर है वो है 100x90 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है MRF का, सेम यहाँ पे स्टिकर वगैरह दिए गए हैं। एंड रही बात पीछे के ब्रेक की, तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, इसमें आपको ABS नहीं मिलता। हालांकि इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम CBS जो मुझे बताया गया है वो इसमें आपको मिलता है। यहाँ पे कार्बन फाइबर का फिनिश दिया गया है। एंड ये तरफ आपको लेडीज़ साड़ी गार्ड दिया गया है, लेकिन लेडीज़ फुटरेस इसके अंदर नहीं मिलता है, ऑब्वियसली बिकॉज ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है। जो लोग लगवाना चाहते हैं तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, अगर आपके आजू बाजू कोई सेल करता है या फिर कोई आपके लिए लगा सकता है तो आप लगवा सकते हैं। यहाँ पर टायर प्रेशर वगैरह दिया गया है, कितना आपको टायर प्रेशर रखना है। बाकी जो चेन है वो ओपन चेन है, जैसा मैन्युफैक्चरर बोलता है कि आप कितने किलोमीटर के बाद में इसको क्लीन करना है, उसके हिसाब से आप क्लीन कीजिए। साइड स्टैंड तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ये बाइक में आपको मिडिल स्टैंड भी मिलता है, जो बहुत सारी कंपनियां आजकल मिडिल स्टैंड निकाल दे रही है। 5-speed गियरबॉक्स इसके अंदर आपको दिया गया है, एक नीचे एंड 4 ऊपर, तो 5-speed गियरबॉक्स आपको दिया है। नीचे इंजन कॉइल भी यहाँ पे दिया गया है, जिसके ऊपर आपको व्हाइट एंड ब्लू स्टिकर दिया गया है, एंड ये फाइबर पार्ट है, नॉट मेटल पार्ट। बाकी ओवरऑल जो वेट है बाइक का है वो है 144 किलो, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। ये CC सेगमेंट और ये कैटेगरी बाइक के लिए एकदम से परफेक्ट वेट है। अब एक चीज़ और जो आप मुझे बहुत कमेंट्स में पूछे थे कि इसका जो पेट्रोल का ऑन ऑफ एंड रिजर्व का जो ऑप्शन है वो कैसे यूज़ करना है। अभी आपको ये एक सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे छोटी सी एक डॉट है, मतलब आपको एक ग्लास दिख रहा है, एक छोटा सा टैंक दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, उसमें थोड़ा सा पेट्रोल है। इसका मतलब ये है कि ये रिजर्व का है। तो ये वाला जो एरो का निशान आपको दिख रहा है, इसको आप अगर ऐसा टर्न करेंगे तो आप बंद कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप इसको करोगे तो बंद हो जाएगा। यहाँ पे एरो के सामने ये निशान को लेके आओगे तो आप इसको रिजर्व में लगा चुके हो। एंड अगर आप ऐसे एकदम राइट में करोगे, इसका मतलब आपका जो पेट्रोल टैंक है वो ऑन में है। तो अगर आपकी बाइक में पेट्रोल कम है तो आप इसको रिजर्व में लगा दीजिए, ये ऐसे घुमा दीजिए। पेट्रोल टैंक से पेट्रोल बंद करना है तो आप ये यहाँ पे घुमा दीजिए। इसका जो माइलेज मुझे मिला था, मैंने जब माइलेज टेस्ट किया था, 46.6 कुछ माइलेज मिला था। एंड बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि यार इतना माइलेज तो मेरी बाइक दे देती है, इतना बाइक तो ये बाइक दे देती है, इतना माइलेज तो वो बाइक दे देती है। देखिए, समझिए ज़रा बात को, ये वाली जो बाइक है ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है। ये उन लोगों के लिए है जो NS 200 को या तो अफोर्ड नहीं कर सकते, उतना पैसा नहीं लगाना चाहते, एंड फिर भी उनको NS खरीदना है, मतलब ये जो डिज़ाइन है ये खरीदना है, तो उनके लिए ये बाइक बनाई गई है। हालांकि इसका जो पावर है, व्हेन आई कंपेयर विथ अदर बाइक्स जो यही CC सेगमेंट में होती है, एक दो को छोड़ के, उनसे थोड़ा ज़्यादा इसका पावर है। तो माइलेज आपको थोड़ा कम मिल सकता है, जैसे आप दूसरी बाइक से कंपेयर करते हो, जैसे CB Shine से कंपेयर करते हैं, बहुत सारी बाइक से लोग कंपेयर कर रहे थे। ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है जिसके अंदर माइलेज आपको थोड़ा कम मिल सकता है, तो ये वाली बाइक उनके लिए सही रहेगी जो कॉलेज जाते हैं, डेली जॉब करते हैं, जिनको माइलेज ज़्यादा चाहिए, पावर भी अच्छा चाहिए, कम बजट में चाहिए, लेकिन ऐसी स्पोर्टी दिखने वाली बाइक चाहिए। तो अब अगर आप पेरेंट्स को आप जाके बोलोगे कि मेरे को बाइक चाहिए, NS 200 चाहिए, तो वो लोग नॉर्मली बोलते हैं कि अरे ये बहुत फास्ट बाइक है, ये बहुत फास्ट जाती है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको NS 125 घर वालों को बता सकते हो आप कि भाई मेरे को ये बाइक चाहिए, तो वो लोग भी इतना पीछे नहीं हटेंगे, वो लोग भी बोलेंगे ठीक है, ज़्यादा उतना पावर भी नहीं है, व्हेन आई कंपेयर विद NS 200 माइलेज भी अच्छा है, लुक्स वाइज भी अच्छी है। एंड माइलेज मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैंने जो माइलेज टेस्ट किया था वो दो लोगों के साथ टेस्ट किया था, सिंगल भी टेस्ट किया था, 78 की स्पीड पर भी टेस्ट किया था। वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके और कुछ क्वेश्चन हैं ये बाइक के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछिए। आपको ये कलर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए नीचे, आपको बुरा लगा अच्छा लगा वो ज़रूर मुझे बताइए। शोरूम का डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर।